मैं दरगाह का रहने वाला हूँ। मैं जनाब एटीएम गार्ड था, जम्मू कश्मीर बैंक का एटीएम गार्ड हूँ। हम सारे यहाँ एटीएम गार्ड है। हमारी तादाद ये 110 एटीएम है, हमारी तादाद 330 एटीएम गार्ड है। 330 लोगों को ही निकाला गया, उनके साथ उनके फैमिली को भी निकाला। जब आदमी को निकाला फैमिली तो सड़क पे खुद आ गई। 330 गार्ड है हम इस वक्त जी। तो क्या रीज़न है, क्यों निकाला? रीज़न है, इन्होंने CCTV कैमरा लगाया। इन्होंने बोला कि हमें डिजिटल कश्मीर बनाना है, कि इंसान का काम अब मशीन करेगी। ये हमारे समझ में नहीं आता है, वो CCTV कैसे बंदे को बोलेगा एक एक करके अब या हेलमेट निकालो। हमारे समझ से ये बाहर है। पता नहीं हमको क्या करना है इनको, क्या हमको रोज़गार से बेरोज़गार कर दिया, एकदम रोज़गार से बेरोज़गार कर दिया। छतवाल बोल रहा हूँ, प्रेसिडेंट टू स्टेट प्रेसिडेंट नेशनल यूथ पार्टी से। आज यहाँ पे प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है, दरअसल नेशनल यूथ पार्टी जो यूथ को प्रमोशन का काम करती है जम्मू कश्मीर में और यूथ को जस्टिस दिलाने का काम करती है, आज आप देख रहे हो कि जम्मू कश्मीर बैंक में 230 जो ATM गार्ड्स थे उनको अननेसेसरी तरीके से नौकरी से निकाल दिया है। जबकि उनकी उम्र इस वक्त 17 मतलब कि ओवर एज हो चुके हैं, बुज़ुर्ग हो चुके हैं, उनके घर की रोज़ी रोटी जो छीन गई है, इसलिए उस मुद्दे को लेके हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जम्मू को कश्मीर जो बैंक है यहाँ पे, जो जम्मू कश्मीर की एक सरमाया है, वो यहाँ पे लोगों के साथ बहुत ज़्यादती करती है। यहाँ पे अगर आप देखते हो पूरे हिंदुस्तान में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9.5% है, यहाँ पे गरीबों को 14% लगा के लूटा जाता है। यहाँ पे जो MPA अकाउंट हुए हैं उन लोगों को सताया जाता है। यहाँ पे अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लोन दी जाती है उसको सताया जाता है। इसलिए उसी मुद्दे को लेके जो ATM गार्ड्स के आज यहाँ पे प्रोटेस्ट है, ये बेरोजगार हुए हैं उसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है।